हाय जी, आइए बैठे बैठे। सॉरी मैंने आपको देखा नहीं जी। ASMR क्लिनिक में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, मेरा नाम लीना है। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। आप यहाँ पे आज किस लिए आए हैं जी? क्रेनियल नर्व एग्जाम के लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पूरी मदद करी जाएगी। पहले मुझे आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी, क्या आप मुझसे वो शेयर करेंगे? धन्यवाद जी, मैं फिल कर लेती हूँ, आप मुझे बता दीजिए जी। आप अपना नाम बताइएगा। ओके, थैंक यू। अब आप अपनी एज और डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दीजिए प्लीज। ओके, ईयर 19। ओके, थैंक यू सो मच। आपका जेंडर मैं फिल कर देती हूँ। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे शेयर कर दीजिए प्लीज़, अपना फ़ोन नंबर या जिससे हम आपको संपर्क कर सकें। +91। ओके, धन्यवाद। अब मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे शेयर करिए, उस पर आपकी रिपोर्ट्स हम आपको मेल करेंगे। क्या कंफर्टेबल है अपनी ईमेल शेयर करने के लिए? ओके। अब कुछ बेसिक सवाल मुझे आपसे पूछने होंगे आपका एग्जाम शुरू करने से पहले। क्या आप स्मोकिंग करते हैं? ओके, क्या आप ड्रिंकिंग करते हैं? ओके, क्या आप पास्ट एक महीने से कभी बीमार पड़े हैं? ओके, क्या आप अभी करेंटली कोई दवा ले रहे हैं? ओके, क्या आपको कोई इलनेस है जैसे कि डायबिटीज, बीपी, थायराइड या कोई हार्ट प्रॉब्लम? और अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आप मुझसे अपनी मेडिकल से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं? ओके, तो आज जस्ट आप बस एक बेसिक चेकअप के लिए आए, राइट सर? आराम से रिलैक्स करके सामने चेयर पे बैठ जाइए। चेयर आपको कंफर्टेबल तो लग रही है ना जी? क्रेनियल नर्व एग्जाम शुरू करने से पहले ही मैं आपका एक बार हार्ट बीट चेक करना चाहती जी, जिसके लिए मैं अपना स्टेथोस्कोप पहन लेती हूँ जी। अब मैं स्टेथोस्कोप का एंड आपकी चेस्ट पे लगाऊंगी। मैं आपसे बोलूंगी सांस अंदर लेने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए, ठीक है? ओके, सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए जी। सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए जी। मैंने अभी आपकी हार्ट बीट चेक कर ली है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आराम से बैठिए। हम क्रेनियल नर्व में जो है 5 आपके सेंसेस का टेस्ट करते हैं, टच, आइज या साइट, नोज या स्मेल, उसके बाद टेस्ट और उसके बाद हियरिंग। तो हम ये 5 सेंसेस का आपका टेस्ट करेंगे आज क्रेनियल नर्व एग्जाम में। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट 12 पेयर्स की नर्व्स होती हैं, जो हमारे बॉडी में सेंसेशन, मूवमेंट और इन सब चीज़ों के काम आती है। ओके, तो हम पहले शुरू करेंगे अपने टच वाले टेस्ट के लिए, जिसके लिए मैं ग्लव्स पहनूंगी। जी, हमें साथ में भी ग्लव्स पहन लेते हैं। जी, मैंने ग्लव्स पहन लिए। अब मैं
आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मैं आपका फेस टच कर सकती हूँ? ओके okay. मैं आपका ये एरिया टच करूंगी और आप मुझे ये बताइए कि आपको किसी तरीके की कोई सेंसेशन या कोई पेन आई एरिया के अराउंड फील हो रहा है? ओके okay. मैं लाइटली आपके आईज के नीचे जो है प्रेस कर रही हूँ. किसी तरीके का कोई पेन यहाँ पे फील हो रहा है आपको? मैं आपके आईब्रोज के ऊपर प्रेस कर रही हूँ, आप मुझे बताइए. क्या आपको किसी तरीके का कोई पेन या कुछ लाइक हल्का सा भी यहाँ पे फील हो रहा है? नहीं. ओके मैं आपके यहाँ पे प्रेस करूँगी और आप मुझे बताइएगा यहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा है. ओके ओके अब मैं आपके शोल्डर्स को नीचे पुश करूँगी और आपको जो है मुझे नीचे पुश नहीं करने देना है, आपको रेजिस्ट करना है. ओके मैं आपके ऐसे से प्रेस करूंगी और आपको उनको ऊपर करना है. ओके ओके अब मैं आपके हेड को इधर को टिल्ट करूंगी, आपको मुझे टिल्ट नहीं करने दे रहा है. ओके ओके अब अपोजिट साइड. ओके वेरी नाइस. अब आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए. तो पहले टेस्ट के लिए हम करेंगे शार्प और डल टेस्ट. ओके अब मुझे बताइए, ये आपको शार्प लगा या डल? ओके शार्प या डल? 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 ओके वेरी गुड. ओके अब जो है मैं एक बार आपकी स्किन को दोबारा से फील करूंगी, देखूंगी कि कोई पिंपल्स, कोई पोर्स और आपका सेंस ऑफ फील कैसा है. ओके आपको कोई पेन तो नहीं फील हो रही है ना? जी ठीक है. मैंने जो है आपकी स्किन और आपके सेंस का टेस्ट कर लिया है. अब मैं नेक्स्ट करूँगी आपका आई एग्जाम. आपका इस लाइट से आपके में आईज का प्यूपल डायलेशन देखना चाहती हूँ कि आपके प्यूपल्स कितना डायलेट कर रहे हैं. ओके ये लाइट थोड़ी सी ब्राइट हो सकती है. आपके फ्रेम में जैसे ही लाइट आए आप मुझे बताइएगा. क्या आप अभी लाइट को देख पा रहे हैं? क्या अभी लाइट को देख पा रहे हैं? क्या अभी लाइट को देख पा रहे हैं?
ओके, अब इस लाइट की तरफ फोकस करिए और मैं आपकी डायलेशन चेक कर लेती हूँ। इस आपके लिए अब मेरे लाइट को फॉलो करिए। आपके विजन में आपको लाइट जब दिखे आप मुझे स्टॉप बोलिएगा। ओके, 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 ठीक है। लाइट का काम यहाँ पे खत्म होता है। आपकी पिपल सही तरीके से डायलेट कर रही हैं जैसे मैं देख पा रही हूँ। तो अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप स्टेप शुरू करेंगे। आपको मेरी फिंगर्स को फॉलो करना है, ठीक है? फिंगर्स को फॉलो करिए। जब आपके फ्रेम से बाहर जाए तो आप उस पर फोकस मत करिए। जहां तक आपको मेरी फिंगर्स दिख रही है वहां तक आप दोनों को देखिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे नोज पे देखिए। जी, मेरे नोज पे देखते रहिए और बताइए मैं लेफ्ट हैंड की या राइट हैंड की फिंगर को विगल कर रही हूँ, यानी कि मूव कर रही हूँ। ओके, 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 मेरे नोज पे ही देखते रहिए। ओके, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तब तक मेरी फिंगर्स को देखिए जब तक वो आपके फ्रेम ऑफ विजन से बाहर ना जाए। ओके, ओके, आप मुझे इन्फॉर्म करते रहिए जैसे ही आपके फ्रेम से बाहर जाए। ओके, 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 ओके। अब मैं आपको लाइट भी दिखाऊंगी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी फिंगर की तरफ देखें और लाइट की तरफ फोकस ना करें। ओके, फिंगर की तरफ देखते रहें। फिंगर की तरफ देखिए। ओके, अब अपनी दूसरी आई से देखें। जी, अब मैं आपका विजन टेस्ट करूंगी जिसके लिए मैं आपको स्नेलन चार्ट दिखाऊंगी। ओके, स्नेलन चार्ट है। आप मुझे बताइए ये कौन सा लेटर है और ये क्या, आप इसे देख पा रहे हैं क्या? आप मेरे लिए ये लाइन रीड कर सकते हैं? जी, क्या आप मेरे लिए ये लाइन रीड कर सकते हैं? ये लाइन थोड़ी सी टफ तो है। और ये नहीं। ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा चार्ट दिखाती हूँ। उसमें आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा सिंबल किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है और वो आपको सही से दिख रहा है कि नहीं। ओके, इसकी डायरेक्शन मुझे बताइए। ओके, और इसकी,
इसकी ये कौन सा कलर है? ओके, और ये इसकी डायरेक्शन आप मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? थोड़ा ध्यान से देखिए, और इसकी डायरेक्शन बहुत टफ है। ओके, हाँ ये बेसिकली बहुत टफ है क्योंकि इसके अंदर सिंबल्स बहुत छोटे हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ कलर्स दिखाऊंगी और आपको मुझे बताना है कि ये कौन सा कलर है। जी, ये कौन सा कलर है? और ये कौन सा कलर है? ओके, ये कौन सा कलर है? और ये कौन सा कलर है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आप तो बहुत सही कर रहे हैं। अब देखिए, मेरे पास ये फ्लफी टॉय है, आपको इसको इस पे फोकस करना है। ओके, अब आपको मुझे बताना है आप इसको कब देख सकते हैं। ओके, क्या आपको भी दिखाई दे रहा है अभी? अभी 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 ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ पेंसिल्स दिखाऊंगी, आपको मुझे उनका कलर बताना है। इसका कलर बताइए, ये इसका कलर क्या है? और इसका, ओके, इस पेंसिल का क्या कलर है? अब आपको मैं दो पेंसिल दिखा रही हूँ, आपको पिंक वाली को फॉलो करना है। ओके, पिंक वाली पेंसिल को फॉलो करिए। ऑलराइट, अब ऑरेंज को फॉलो करिए, ऑरेंज को फॉलो करिए। ऑरेंज पेंसिल को फॉलो करिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपका करूंगी स्मेल टेस्ट, आपको मुझे बताना है कि ये कैसी स्मेल है। ओके, जी सुनिए एक बार। जी बहुत बढ़िया, एकदम सही। अब मैं आपको ये स्मेल कराऊंगी। बढ़िया, आप तो काफी जल्दी गैस कर ले रहे हैं। जी, अब लास्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। जी, अब जो है आपने स्मेल टेस्ट कर लिया है, तो अब मैं आपका टेस्ट टेस्ट करूंगी। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें टेस्ट कराऊंगी और आपको मुझे बताना है कि आप कैसा टेस्ट फील कर पा रहे हैं। ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल, आईज क्लोज करिए।
मेरे पास कुछ कैंडीज हैं, वो कैंडीज मैं आपको टेस्ट कराऊंगी, आपको मुझे बताना है कि कौन सा फ्लेवर है। ओके अपनी टंग बाहर लाइए। ओके थोड़ा और कर दूं? ओके जी स्ट्रॉबेरी, बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरा फ्लेवर आपको टेस्ट कराने जा रही हूँ। ब्लूबेरी, बहुत अच्छा, आपका टेस्टिंग सेंस भी बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बचा हुआ है वो है आपका हियरिंग टेस्ट। आपका टेस्ट टेस्ट, स्मेल टेस्ट, आई टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट हो चुका है, अब आपका लास्ट है हियरिंग टेस्ट। जी बिल्कुल, हियरिंग टेस्ट के लिए आपको आईज क्लोज करनी पड़ेंगी और आपके दोनों कानों में मैं कुछ वर्ड्स विस्पर करूंगी। जी आपको मुझे बताना है वो क्या है। ओके बिल्कुल, अब मैं आपके ईयर्स में विस्पर करने जा रही हूँ शब्द, आप मुझे बताइएगा। 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 ओके 9 10 11 12 ओके बहुत बढ़िया। अब मैं आपके कानों के पास अपनी फिंगर से करूंगी, आपको मुझे बताना है कि कौन से कान के पास आप सुन पा रहे हैं। ऑलराइट एक बार मैं टॉर्च से आपकी ईयर्स के अंदर चेक कर लेती हूँ। ओके ऑलराइट ओके तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, आपके सारे क्रैनियल नर्व एग्जाम्स के हो चुके हैं टेस्ट, आपकी रिपोर्ट जो है आपको मेल के थ्रू मिल जाएगी, फिर आप एक बार हॉस्पिटल में विजिट कर लीजिएगा और डॉक्टर साहब से इसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके जी आशा है कि आपको हमारा क्रैनियल नर्व एग्जाम आज अच्छा लगा होगा। जी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और टेक केयर। आपसे अगली बार ज़रूर मिलूंगी। बाय बाय।